इंटरनेशनल टाइगर डे के मद्देनजर राजस्थान हेरिटेज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन की ओर से जवाहर कला केंद्र में आयोजित जयपुर टाइगर फेस्टिवल का शनिवार को उद्घाटन हुआ। गेस्ट ऑफ ऑनर पूर्व आईएएस पवन अरोड़ा, डॉक्टर एसएस अग्रवाल, चेयरमैन जोधपुर एम्स, विश्व विख्यात वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर और 5 बार के प्रेसिडेंट अवार्ड विजेता एस नल्लामुथु ने दीप जलाकर फेस्टिवल की शुरुआत की। फेस्टिवल के अंतर्गत अलंकार गैलरी में देश दुनिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की 200 से भी अधिक फोटो की प्रदर्शनी लगाई गई। फेस्टिवल को लेकर लोगों में उत्साह पहले दिन ही देखते बना। बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने प्रदर्शनी विजिट की और टाइगर की जिंदगी को करीब से देखा। गौरतलब है कि बुधवार को डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने जेटीएफ का पोस्टर लॉन्च किया था और बाघ संरक्षण की दिशा में ऐसे आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण बताया था। ये जो आज एग्जीबिशन है, इसमें खास बात यह है कि केवल राजस्थान के लोग नहीं हैं, बल्कि अभी मैं मिला देहरादून से लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, दिल्ली से लोग आए हुए हैं और वो खुद अपनी फ़ोटोज़ को लेकर के इतने उत्सुक हैं कि वो खुद वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि ये केवल एक राजस्थान का इवेंट नहीं है, बल्कि एक नेशनल इवेंट है जो जयपुर में हो रहा है। इसके अलावा जो ये तस्वीरें देखी हैं, ये वास्तव में इतनी आकर्षक हैं कि इसको एक बार में देखना निहार पाना संभव नहीं है। इसके लिए मुझे भी हो सकता है 2 दिन और आना पड़ेगा। और जहाँ तक टाइगर की बात है, तो टाइगर मेरे ख्याल में केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि ये कॉन्सेप्ट है। मनुष्य और वन्य जीवों के सहअस्तित्व का कॉन्सेप्ट है, पर्यावरण संरक्षण का कॉन्सेप्ट है, वन्य जीवों के संरक्षण का कॉन्सेप्ट है और कैसे हमारे जो चित्रकार हैं, हमारे जो फोटोग्राफर्स हैं, वो इसके ऐसे ऐसे दुर्लभ दृश्य हम तक लेके आते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग कितनी बार रणथंभौर विजिट करते हैं, झलाना विजिट करते हैं और उससे एक टाइगर की झलक पाने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन यहाँ जितने भी चित्र हैं उनमें टाइगर ही नहीं दिख रहा है, बल्कि उसमें एक ना एक कोई स्टोरी है। तो अभी जो प्रश्न आपने पूछा था कि फ़ोटो कैसा खींचा जाना चाहिए, तो फोटो वो होना चाहिए जिसमें कोई स्टोरी होनी चाहिए, वरना स्टिल ऑब्जेक्ट और लिविंग ऑब्जेक्ट का अंतर ही खत्म हो जाएगा। अगर आप लिविंग ऑब्जेक्ट की और वो भी खास तौर पर टाइगर, इतना ग्रेशियस एनिमल, उसकी एक फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उसमें स्टोरी जरूर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ बात होनी चाहिए। अभी स्टार्टिंग फ्रॉम टाइगर फेस्टिवल है, एक्चुअली हम भी वही डिस्कस करते हैं, खाली टाइगर टाइगर का प्रमोट करने से अच्छा अननोन स्पीसीज़, ये टाइगर इसे टॉप ऑफ द चेन में है। अभी इसी चेन का अंडर जो अदर स्पीसीज आता है उसका भी हम लो प्रमोट करना चाहिए। वो दिस इज़ इनिशिएटिव ऑलरेडी जो ये फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर्स दे आर ऑल्सो डिस्कसिंग, स्लोली अदर स्पीसीज का इंट्रोड्यूस करवाना है, अदरवाइज ये काली फोकस टाइगर के ऊपर होता है, वो दैट इज़ अ नेक्स्ट स्टेज दे आर प्लानिंग टू डू इट।